मुनियों के बहुत से आश्रम देखे, वहाँ कुछ वल्कर वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों के ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था, इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दश सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहे थे। राक्षस आदि के लिए उनकी ओर देखना ही कठिन था। ये आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उनका आंगन सदा झाड़ने बुराने से स्वच्छ बना रहता था। बहुत से वन्य पशु भरे हुए थे। पक्षियों के समुदाय भी उस सब ओर से घिरे रहते थे। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उन स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशाला, श्रुवा, यज्ञ पात्र, मृगचर्म, क्रश, समिदा, जलपूर्ण कलश तथा फलफूल उनकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वो आश्रम मंडल पर घिरा हुआ था। बलि, वैश्वदेव और होम से पूजित ये पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठन की ध्वनि से गूंजता रहा। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ भी बहुत से फल फूल सब और बिखरे हुए थे। उन आश्रमों में चीर काला मृग चर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय और सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम श्रम और मुआजी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष्य की प्रत्यंचा उतार दी थी। फिर वह आश्रम के भीतर गए। श्री राम महेश्वरी सीता को देखकर वह दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्वी विदेह कुमारी सीता को देखकर उन सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उस तीनों को आदरणीय अतिथियों के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के उस शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता, सुंदरता, वेश वनवासी मुनियों के आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वह सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण, सीता को तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वह अपने प्रिय आतिथ्य इन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उस महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत श्री राम के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगला सूचक आशीर्वाचन देते हुए महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाले राजा, धर्म का पालक महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाले माननीय पूजनीय और सबका गुरु, इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपाल का ही चौथा अंश होने के कारण अब प्रजा की रक्षा करता है। राजा सबसे वंदित होता, उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता। जब साधारण राजा की स्थिति, तब आपके लिए तो क्या कहीं ना, आप तो साक्षात भगवान हैं। हम आपके राज्य में निवास करते, अतः आपको हमारी रक्षा करना चाहिए। आप नगर में रहे या वन में, हम लोगों को राजा ही है। आप समस्त जन समुदाय के शासन में पालक हैं। राजन, हमने जो मात्र को दंड देना छोड़ दिया, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करता है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी है। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनि ने वन में उत्पन्न होने वाले फल मूल मल अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। इसके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्यायुक्त वर्ता वाले सिद्ध तापसों से भी सर्वेश्वर श्री भगवान श्री राम को यथाचित्त रूप से तृप्त किया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे प्रथम सर्ग संपूर्णम। श्यावर रामचंद्र।